हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो टेक सॉल्यूशन और मैं हूं सुनील। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से किसी भी पेन ड्राइव पर राइट प्रोटेक्शन लगा सकते हो। राइट प्रोटेक्शन लगाने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आप अगर अपना पेन ड्राइव किसी को यूज करने देते हो, वो उसके अंदर का डाटा फॉर्मेट नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता और उसमें कोई डाटा ऐड नहीं कर पाएगा, सिर्फ वो कॉपी और पेस्ट कर पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मेरे पास ई वॉल्यूम है जिसका साइज 32 GB, जो कि मेरा पेन ड्राइव है। मैं इस पर राइट प्रोटेक्शन लगाऊंगा। मैं आपको एक बार एग्जांपल दिखा देता हूं। देखिए, यहां पर फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम इस पेन ड्राइव को भी फॉर्मेट कर तो सकते हैं और ये फॉर्मेट भी हो जाएगा। राइट प्रोटेक्शन लगाने के बाद ना ही हम इसे फॉर्मेट कर पाएंगे और ना ही इसमें से हम कुछ डिलीट कर पाएंगे। चलिए मैं इसके अंदर कुछ फोल्डर बना देता हूँ। मैं इसके अंदर एक और txt फाइल बना देता हूँ। देखिए, यहाँ हमारा एक फोल्डर, एक txt फाइल। अब हम इस पेन ड्राइव पर राइट प्रोटेक्शन लगाएंगे। राइट प्रोटेक्शन लगाने के लिए आपको cmd ओपन करना है। अगर आपको नहीं पता कि cmd एज एडमिनिस्ट्रेटर आप कैसे ओपन कर सकते हो, तो आपको आई कार्ड पर एक वीडियो मिल जाएगा जिसके अंदर मैंने बताया तीन तरीकों से आप सीएमडी को एज एडमिन ओपन कर सकते हो। तो उसका लिंक भी आपको आई कार्ड मिल जाएगा, उसे जरूर चेक कीजिए। उसके बाद आपको दोबारा विंडो प्रेस आर की उसका टाइप करना सीएमडी, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और इंटर क्लिक कीजिए। उसके बाद एक पॉपअप विंडो आएगा, उसके बाद आप यस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर हमें टाइप करना है, उससे पहले मैं इसका फ़ॉन्ट का साइज बड़ा कर लेता हूँ। प्रॉपर्टीज में गए, फ़ॉन्ट 24 कर लेते हैं, जिससे आपको अच्छे तरीके से क्लियर दिखे। ओके, अब जो भी मैं यहाँ पर करूँगा वो आपको क्लियरली दिखेगा। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे डिस्क पार्ट, इंटरनेट कर दीजिए। उसके बाद लिस्ट स्पेस डिस्क इंटरनेट कर दीजिए। देखिए, 32 GB का जो है वो मेरा पेन ड्राइव है डिस्क वन, और 250 GB का मेरा हार्ड डिस्क है डिस्क जीरो। हमें अपने पेन ड्राइव को सेलेक्ट करना है, उसके लिए हम कमांड टाइप करेंगे सेलेक्ट स्पेस डिस्क स्पेस वन। अगर आपके केस में 2 आ रहा है तो आप 2 सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो अगर आप में भी 1 शो हो रहा है तो आप 1 टाइप कीजिए। उसके बाद इंटर हिट कीजिए। उसके बाद आपको टाइप करना है एट्रीब्यूट डिस्क, उसका इंटर हिट कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर करंट स्टेटस दिखा रहा है रीड ओनली नो है, मतलब इसमें जो राइट प्रोटेक्शन है वो भी लगा हुआ नहीं है। तो हम इसमें राइट प्रोटेक्शन लगाएंगे, उसके लिए हम टाइप करेंगे एट्रीब्यूट डिस्क उसका स्पेस सेट रीड ओनली, उसका इंटर हिट कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे शो हो रहा है डिस्क एट्रीब्यूट सेट सक्सेसफुली। अब हम चेक कर लेते हैं, उसके लिए फिर से टाइप करेंगे डिस्क एट्रीब्यूट डिस्क इंटरनेट कीजिए। देखिए, यहाँ पर शो हो रहा है करंट स्टेटस यस रीड ओनली यस, यहाँ पर नो शो हो रहा था और यहाँ पर यस शो हो रहा है। अब हम सीएमडी से एग्जिट कर लेते हैं, उसके लिए हम टाइप करेंगे exit एग्जिट इंटर exit एग्जिट इंटर। उसके बाद हम अपने फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे विंडो प्लस ई। देखिए, ये रहा मेरा पेन ड्राइव, हम इसे ओपन कर लेते हैं।
ये रहा हमारा फोल्डर और फाइल, हम इस पर राइट क्लिक करके डिलीट करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर जो डिलीट का ऑप्शन है वो डिसेबल हो गया, शो ही नहीं हो रहा है। आप फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिए ये फाइल को, उसके बाद शिफ्ट प्लस डिलीट कीजिए, ये डिलीट नहीं हो रहा है। अगर आप इसमें कुछ भी पेस्ट करने का कोशिश करेंगे तो पेस्ट नहीं होगा। चलिए देखते हैं, देखिए रहा मेरे डेस्कटॉप पर न्यू फोल्डर, हम इसे इसमें पेस्ट करेंगे। उसके मैं इसे रिनेम कर लेता हूँ, कर दे देते हैं। अब देखिए हम इसे इसमें पेस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा रहा है द डिस्क इज राइट प्रोटेक्टेड, रिमूव द राइट प्रोटेक्शन, यूज अनदर डिस्क। ट्राइगन पर क्लिक करते हैं, ये नहीं होगा, आप चाहे जितनी बार भी क्लिक कर लो। अब हम इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने की कोशिश करते हैं, शायद ये फॉर्मेट हो जाए। राइट क्लिक करके फॉर्मेट पर क्लिक कीजिए, उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक कीजिए, ओके। देखिए यहाँ पे लिखा रहा है द डिस्क इज राइट प्रोटेक्टेड, ओके पे क्लिक कीजिए। ये अब हमारा जो पेन ड्राइव है राइट प्रोटेक्टेड हो चुका है, ना ही कोई इसे डिलीट कर पाएगा इसके फाइल्स को, ना ही इसे फॉर्मेट कर पाएगा। कैसे लगा ये ट्रिक हमें कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।